हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे हो। तो भाई काफ़ी टाइम से जिम छोड़ रखी थी, तो आज से जिम कर दिया स्टार्ट। अभी बज रहे सुबह के 9 और तुम्हारा भाई जा रहा है एम्प्टी स्टमक कार्डियो करने, और वेट ट्रेनिंग करेंगे शाम को, क्योंकि काफ़ी टाइम से जिम नहीं जा पा रहे थे क्योंकि फंक्शन इतने सारे थे, कहीं ना कहीं जाना पड़ रहा था, घर में भी फंक्शन था, तो इस कारण जिम छोड़ रखी थी। कम से कम 25 से 20 दिन हो गए हैं, तो आज से कोशिश करेंगे कि रेगुलर जिम जाए, एक टाइम तो जाए जाए। अभी फिलहाल दो टाइम, इतने टाइम है तो दो टाइम जाएंगे, नहीं तो एक टाइम तो एक्सरसाइज करके ही आनी है। तो कार्डियो हो चुका है कंप्लीट और मैं आ चुका हूँ घर। तो अब है टाइम प्रोटीन का। तो कौन सा प्रोटीन मैं यूज़ कर रहा हूँ? मैं प्रोटीन यूज़ कर रहा हूँ इस टाइम अवतार आइसो रिच कैरेमल क्रीम। तो इसके बेस्ट रिजल्ट है, मैंने पहले भी एक बार यूज़ किया हुआ है ये प्रोटीन, तो इसलिए मैं इस बार भी अपनी 90 डेज ट्रांसफॉर्मेशन में यही प्रोटीन यूज़ करने वाला हूँ। और आप भी यूज़ करके देखिए, अच्छा है रिजल्ट इसका। तो अभी फ़िलहाल अपनी जो मील होगी 11:30 वो दिखाते हैं आपको। तो अब हमारा मील टाइम, और मील में मैं क्या कंज्यूम कर रहा हूँ वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं कंज्यूम कर रहा हूँ वाइट चिक्स, एंड सेकंड थिंग आज ट्यूसडे इसलिए मुझे वाइट चिक यूज़ करने पड़ रहे हैं, नॉर्मली मैं एग वाइट यूज़ करता हूँ। तो चलो अब जल्दी से इसे फिनिश करते हैं। अब अभी बुला लो वरना उनको हो जाएगा अभी। तो सो क्या उठाऊँ, और उससे पहले जैकेट लेके आया था वो मैंने थोड़ी डाल दी, पर किसी के साथ गया था तो व्लॉग भी बनाया नहीं मैंने। और अभी पहले लेते हैं अभी प्री वर्कआउट मील। तो प्री वर्कआउट मील में मैं क्या ले रहा हूँ, 50 ग्राम्स ऑफ मखाने, इनको को एनर्जी देगा एक्सरसाइज से पहले। और इसके बाद मैं कहाँ जाऊँगा वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो मंदिर होके आ चुका हूँ मैं, और अब चलते हैं वर्कआउट करने। तो वर्कआउट करूँगा आज मैं बैक एंड बाइसेप्स का, तो मिलता हूँ जिम में पहुँच के। तो वर्कआउट कंप्लीट, और आप देख सकते हो अमेजिंग पंप कितना बढ़िया है। और अब चलते हैं घर और लेते हैं अपनी डाइट। तो वर्कआउट अपना कंप्लीट कर लिया था 6:30 बजे, तो अब बज रहे हैं 8। तो लास्ट मील ऑफ द डे मेरी क्या है आज, 200 ग्राम ऑफ पनीर, जो कि इसमें प्रोटीन कंटेन होगा, 25 से 30 ग्राम प्रोटीन मिलेगा मुझे। बट आज मेरा पनीर ऐसे खाने का मन नहीं है, तो मैं इसे क्या कर रहा हूँ, रोस्ट कर रहा हूँ नॉन स्टिक की कढ़ाई पे, और साथ उसके साथ ही मैंने टमाटर प्याज का पेस्ट जो है वो इसमें मिला लूँगा, क्योंकि इसमें ऑयल वॉयल की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा और खाने में भी अच्छा लगेगा। अगर आप सबको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।